Hi friends, welcome back to my channel Traders Destination. दोस्तों लास्ट कुछ दिनों से बहुत सारे मेरे फैंस फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स ये बोल रहे थे कि लास्ट बहुत दिनों से कोई नया स्ट्रैटेजी नहीं आया तो हेंस आई थॉट दैट व्हाई नॉट अगेन कम अप विद अ न्यू स्ट्रैटेजी व्हिच कैन बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। आप लोगों को तो पता है कि जब तक हम लोग कोई भी स्ट्रैटेजी को रियल टाइम में एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, रियल टाइम में उस पर ऑब्जर्व नहीं करते हैं, खुद ट्रेड नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग कोई भी स्ट्रैटेजीज को लॉन्च नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ वेरी सून, एंड ये स्ट्रैटेजी का रिजल्ट मैं आप सबसे शेयर करूँगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 53 ट्रेडिंग सेशंस में इस स्ट्रैटेजी ने सिर्फ 2 लॉस डेज दिया है। ओके, आप लोगों के सामने रिजल्ट है। अक्टूबर 1 तारीख से लेके दिसंबर 18 तक ये स्ट्रैटेजी में हम लोगों ने जो रियल टाइम पे ऑब्जर्व किया है, इसको रियल टाइम पे ट्रेड लिया है इस पे, इसके हिसाब से सिर्फ 2 दिन था, दैट इज 3rd of October, जिस दिन 2 SL हिट हुआ, 1 प्रॉफिट हुआ, मतलब हिसाब से देखा जाए तो प्रॉपर वहाँ पर लॉस हुआ था। एंड 2nd of November, जिस दिन 2 SL हिट हुआ एंड 1 दिन 1 प्रॉफिट हुआ, सो अगेन दैट्स अनदर डे जहाँ पर मेरा नेट लॉस हुआ था। ये 2 दिन छोड़ के इस स्ट्रैटेजी में बाकी कोई भी दिन आउट ऑफ दिस 53 डेज हमें लॉस डे नहीं मिला। इट्स अ वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी एंड इट्स गोइंग टू बी शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू। इट्स नॉट अ फायर्स स्पेशल स्ट्रैटेजी, इट्स अ स्ट्रैटेजी व्हिच इज फॉर ऑल ऑफ यू माई फैमिली मेम्बर्स इन यूट्यूब। बहुत जल्द ये स्ट्रैटेजी हम लॉन्च करने वाले हैं। पहले दोस्तों हम लोग ऐसे करते थे कि ट्रेडर्स डेस्टिनेशन फोरम नाम का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हम लोग पहले स्ट्रैटेजीज को लॉन्च करते थे, लेकिन आजकल ऐसा हो गया फ्रेंड्स के कुछ यूट्यूबर्स जिनके खुद के चैनल्स हैं वो लोग भी वहाँ पर जुड़ रहे हैं। डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग फॉर अस, दे आर ऑल वेलकम, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर वेलकम टू ज्वाइन माई चैनल। बट द बैड थिंग दैट इज़ हैपनिंग इज बहुत सारे यूट्यूबर्स वहाँ ज्वाइन करके क्रॉस सेल करते हैं, अपने अपने चैनल्स के बारे में पब्लिसिटी कर रहे हैं। बहुत सारे टिप्स्टर्स आ रहे हैं जो ज्वाइन करके अपने अपने प्रीमियम जो पैकेजेस है उसके बारे में लोगों को बोल रहे हैं। एंड कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी हुआ है जहाँ पर हम लोगों ने जब हम लोगों का स्ट्रैटेजीज को सिर्फ जो हमारे टेलीग्राम में जुड़े हुए दोस्त लोग हैं उन लोगों से शेयर किया था, वहाँ से वो स्ट्रैटेजीज लीक हो जाता है एंड बाद में पता चलता है कि कोई टिप्स्टर उसी स्ट्रैटेजी के बेसिस में लोगों को टिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उन लोगों से कुछ एक हेवी अमाउंट भी चार्ज कर रहे हैं। तो दोस्तों आजकल लास्ट कुछ दिनों से, मतलब लास्ट कुछ 1-2 महीने से ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे हैं। फॉर दैट रीज़न आई हैव डिसाइडेड एंड माई कम्प्लीट टीम ऑफ ट्रेडर्स डेस्टिनेशन कोर टीम जो है, हम लोग सब ने ये डिसाइड किया कि अब से हम लोग कोई भी न्यू स्ट्रैटेजी हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जो भी डिस्क्लोज करना है सीधा यूट्यूब पे करेंगे। ट्रेडर्स डेस्टिनेशन फोरम जो ग्रुप है वहाँ पर अगर आप ज्वाइन करते हो तो एज अ बेनिफिट यू विल बी गेटिंग हैंड होल्डिंग ऑन द स्ट्रैटेजीज एंड डेफिनेटली हु विल बी ज्वाइनिंग द फायर्स ग्रुप थ्रू द रेफरल ऑफ ट्रेडर्स डेस्टिनेशन टीम, दे विल बी गेटिंग सम एडिशनल स्ट्रैटेजीज जो हम लोगों ने ऑलरेडी फायर्स ग्रुप में शेयर करके रखे। दोस्तों कुछ दिनों पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने आप सबसे ये शेयर किया था कि जो मेरे साथ फायर्स में जुड़ते हैं, हुएवर जॉइंस फायर्स एंड ट्रेड्स विथ फायर्स थ्रू ट्रेडर्स डेस्टिनेशन, उन लोगों के साथ एक स्पेशल स्ट्रैटेजी शेयर किया जाता है जो सिर्फ फायर्स के क्लाइंट्स के लिए है। एंड वो एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जहाँ पर आपको महीने में कुछ 15 स्टॉक्स मिलने का चांसेस होता है, जिसपे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा मोर देन 1:6। सो फ्रेंड्स रिजल्ट आपके सामने है, ये सिर्फ दिसंबर के लास्ट 11 दिन का रिजल्ट है। इन 11 ट्रेडिंग डेज इन दिसंबर अभी तक हम लोगों ने 9 किंग कॉन्ग स्टॉक्स को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने है 3rd December अल्ट्राटेक सीमेंट विद रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:6, उसके बाद NTPC ऑन 6 December, पहले SL, उसके बाद एक प्रॉफिट जो हुआ उस पर 1:7 का प्रॉफिट। उसके बाद 7 December देख लीजिए, उस दिन 3 स्टॉक्स मिल गया था हमें, पावर ग्रिड विद 2 ट्रेड्स 1:6 एंड 1:3, मतलब 1:9 का प्रॉफिट मिला था। HDFC में 1:6, UPL में
एक एस एल, उसके बाद प्रॉफिट अप टू 1:7 मतलब 1:6 तक का इस दिन भी मिला था। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1 इज आई ओ सी विद 2 ट्रेड्स बोथ विद द प्रॉफिट ऑफ 1:3, 1:3। येस बैंक कल के दिन में था विद अ प्रॉफिट ऑफ 1:9 एंड डेफिनेटली देर वॉज अ एस एल ऑफ देर वॉज अ एस एल इन द फर्स्ट। एंड 17 दिसंबर के दिन में हमें जो ट्रेड मिला था पावर ग्रिड पे 3 ट्रेड मिला था एंड इफ यू सम देम अप 3.5, 3 and 1.5 डेफिनेटली इट वॉज अ ग्रेट ट्रेड एंड कोल वॉज अनदर ट्रेड विद 1:7। सो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी अगर आपको सीखना है, अगर आपको इस पे ट्रेड लेना है तो प्लीज़ फायर्स के थ्रू ट्रेड कीजिए। नीचे लिखा गया जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करके अकाउंट ओपन कीजिए। हमारे जो फैमिली है ट्रेडर्स डेस्टिनेशन फैमिली, यहाँ पर जुड़िए एंड डेफिनेटली वी विल बी ट्राइंग टू प्रोवाइड यू द बेस्ट सपोर्ट पॉसिबल। एक इंफॉर्मेशन आप सबके लिए, हम लोग कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है एंड फॉर दैट रीज़न वी डू नॉट प्रोवाइड एनी सॉर्ट्स ऑफ टिप्स, एनी सॉर्ट्स ऑफ लेवल्स शेयरिंग। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर करना था। प्लीज़ जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। स्ट्रैटेजी बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है जिसके बारे में मैंने बताया, निफ्टी का लंच ब्रेक स्ट्रैटेजी, एंड देखते रहिए ये चैनल फॉर दैट। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग एंड